सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे पंजाब जीके दी सीरीज दे विच मॉडर्न पंजाब दी। इस तो पहला अपलोड कीती हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। पंजाब विच हड़प्पा सभ्यता नाल संबंधित प्रमुख केंद्र केड़ा है? देखो, पंजाब दे विच हड़प्पा सभ्यता नाल संबंधित केंद्र है संगोल। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। देखो, हड़प्पा सभ्यता जिसनों तुसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम नाल भी जानते हो, इसकी जो खुदाई की गई सी ये की गई सी 1921-22 दे विच सर जॉन मार्शल के अंडर ये खुदाई की गई सी। पंजाब विच सब तो वड्डा हवाई अड्डा कित्थे है? देखो, पंजाब दे विच सब तो वड्डा हवाई अड्डा जो है ये है अमृतसर दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। सिख विरासत कंपलैक्स कित्थे विकसित किया गया? देखो, सिख विरासत कंपलैक्स की गल करिए तो इसनू विरासत एक खालसा के नाम भी जाने जाता है, और विरासत ए खालसा जो है ये विकसित किया गया आनंदपुर साहब दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 2। पंजाब विच सब तो वड्डी सैनिक छावनी कित्थे है? देखो, पंजाब दे विच सब तो वड्डी सैनिक छावनी है जो ये है बठिंडे दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 3। बठिंडे दे विच एक किला है जिसका नाम है किला मुबारक। कंजाली विटलैंड कित्थे स्थित है? देखो, विटलैंड मतलब दलदल की अगर गल करिए तो कंजाली जो विटलैंड है ये कित्थे स्थित है? तो ये कपूरथला दे विच स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ये है 4। भारत विच ट्रैक्टर दे कल पुर्जे बनाउन वाली सब तो वड्डी मंडी कहड़ी है? देखो, भारत विच जो ट्रैक्टर दे कल पुर्जे बनाए जाते हैं इहदी सब तो वड्डी जो मंडी है ये है लुधियाना दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। एशिया की सब तो वध साइकिल बनाउन वाली मंडी कहड़ी है? तो देखो, सब तो वध साइकिल बनाउन वाली मंडी है लुधियाना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। नैसले मिल्क प्लांट कित्थे है? देखो, नैसले मिल्क प्लांट लग्या मोगा दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4। अमृतसर लाहौर विचकार चलन वाली बस नूं की नाम दिता गया? देखो, ये दिल्ली तो लाहौर चलती है और अमृतसर तो लाहौर एंटर करती है, तो इसका जो नाम सी वह है दोस्ती। ये 1999 दे विच चली सी, लेकिन पार्लीमेंट दे अटैक करके 2001 दे विच ये बंद कर दी गई, लेकिन बाद विच 2003 दे विच दोबारा शुरू की गई। मोरनी दियां पहाड़ियां, तो मोरनी दियां पहाड़ियां कित्थे स्थित है? देखो, मोरनी दियां पहाड़ियां जो है ये मोरनी नाम का पिंड है, ये उत्थे स्थित है और ये चंडीगढ़ तो 45 किलोमीटर दूर है। तो इसते जो ऑप्शन दे विच जो आंसर बनता है ये बनता है चंडीगढ़, लेकिन अगर ऑप्शन दे विच पंचकूला लिखा हो हरियाणा तो इस तो 35 किलोमीटर दूर है मोरनी नाम का पिंड और उत्थे है मोरनी दियां पहाड़ियां। तो नॉर्मली चंडीगढ़ के नेड़े मोरनी दियां पहाड़ी। तख्त श्री हजूर साहब का निर्माण किसने करवाया? देखो, तख्त श्री हजूर साहब का निर्माण करवाया सी महाराजा रणजीत सिंह, और ये निर्माण 1832 तो 1857 के विचकार जिहड़ा है वह होंदा है। अगर क्वेश्चन आ जाए तख्त श्री हजूर साहब किस रिवर दे किनारे है, तो वह है गोदावरी, और कित्थे है तो याद रखना है नदेड़। और नदेड़ पैंदा है महाराष्ट्र। शाहपुर कंडी किला पंजाब विच कित्थे स्थित है? देखो, शाहपुर कंडी किला जो है ये है पठानकोट दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4।
लेकिन याद रखियो पठानकोट दे विच शाहपुर कंडी डैम भी है। तो शाहपुर कंडी डैम अगर पूछ लें तो ये पठानकोट दे विच, और अगर शाहपुर कंडी किला पूछ लें तो ये भी पठानकोट दे विच। अगर पूछ लें कि शाहपुर कंडी जो डैम है ये किस रिवर ते है, तो ये है रावी रिवर ते। पंजाब विच मिनी ओलंपिक किथे करवाए जाते हैं? तो देखो पंजाब दे विच जो मिनी ओलंपिक करवाए जाते हैं ये करवाए जाते हैं किला रायपुर दे विच। और किला रायपुर लुधियाने दे विच पैंदा है, तो इसका राइट आंसर है वन। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया सी? तो देखो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया सी ये किया सी राजीव गांधी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वन। और कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है ये 1986 दे विच इहदी जो सी फाउंडेशन रखी गई सी। पंजाब विच बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्मारक कित्थे है? तो देखो बंदा सिंह बहादुर का जो शहीदी स्मारक है ये है सरहंद दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है टू। पंजाब विच पहला सूरजी ऊर्जा प्लांट कित्थे लगाया गया? तो देखो पंजाब दे विच जो सूरजी ऊर्जा प्लांट लगाया गया ये अमृतसर दे विच लगाया गया सी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वन। तो स्टार्टिंग दे विच ये 2 मेगावाट का सी, लेकिन टारगेट सी 2020 तक कि 5 जो है मेगावाट का ए बना दिता जाएगा। और इसका जो उद्घाटन किया सी ये किया सी फरूक अब्दुल्ला ने। ये उस समय दे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर सी। शांति कुंज पंजाब विच कित्थे स्थित है? देखो शांति कुंज की गल करिए तो शांति कुंज पंजाब दे मोहाली दे विच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ए एफ फोर। किला रायपुर खेडा का आयोजन किहड़े महीने में किया जाता है? तो देखो किला रायपुर खेडा का आयोजन किया जाता है फरवरी महीने दे विच, और ये हर साल होंदा है, मतलब एक साल बाद ये कराया जाता है। और इस नू करवाउंदा है गरेवाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। और देखो ये 3 दिनों का होंगे, टोटल 3 दिनों का, मतलब ये जो है ये आयोजन करवाया जाता है। और इस स्टार्टिंग अगर पूछ रहे हैं कि ये मतलब जो एक किला रायपुर दी जो खेडा सी ये स्टार्ट कदों हुई हैं, तो 1933 दे विच स्टार्ट हुई सी, ये तुसी याद रखना। गुरुद्वारा रकाबगंज केड़े गुरु सिख नाल संबंधित है? तो देखो गुरुद्वारा रकाबगंज जो संबंधित है ये है 9वें गुरु जी नाल संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3। तो रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली दे विच, और इसकी भी जो फाउंडेशन रखी गई 1783 दे विच ये बिल्ड करवाया गया। आनंदपुर साहब किहड़े दरिया के किनारे ते स्थित है? देखो आनंदपुर की गल करा तो आनंदपुर साहब जो है ए सतलुज के किनारे ते स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू। गुरुद्वारा थड़ा या थम साहब कितने स्थित है? तो देखो गुरुद्वारा थड़ा या थम जो साहब है ये स्थित है करतारपुर के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। पिंगलवाड़ा कितने स्थित है? देखो पिंगलवाड़ा स्थित है अमृतसर के बीच। तो इसका राइट आंसर है 4। फाजिलका शहर का पुराना नाम की सी? तो देखो फाजिलका शहर का पुराना नाम सी बंगला। तो इसका राइट आंसर है 4। केंद्रीय सिख म्यूजियम कितने स्थित है? तो देखो केंद्रीय सिख म्यूजियम की अगर गल करिए तो यह स्थित है अमृतसर के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 4। सिटी ऑफ आर्ट्स पंजाब के किस शहर को कहा जाता है? देखो सिटी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है फगवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वन। कई बार तो चंडीगढ़ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर सिटी ऑफ आर्ट्स मनाया जाता है फगवाड़ा। सिक्खी का धुरा किहड़े शहर को कहा जाता है? तो देखो सिक्खी का धुरा के नाम नाल जाना जाता है अमृतसर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 3।
श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किथे स्थित है? तो देखो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर के विच। तो इसका जो राइट आंसर है ए वन। सारागढ़ी स्मारक पंजाब के केड़े जिले विच स्थित है? तो सारागढ़ी स्मारक है जो ये स्थित है फिरोजपुर के विच। तो इसका जो राइट आंसर है ए है वन। राजमहल पंजाब के केड़े जिले विच स्थित है? तो देखो राजमहल की गल करिए तो ये फरीदकोट के विच जिहड़ा है वो स्थित है, और इहदा जो संबंध है तो इहदा संबंध है महाराजा विक्रम सिंह नाल। सिक्खी का पंगूड़ा किहड़े खेतर नूं कहा जाता है? तो देखो सिक्खी का पंगूड़ा कहा जाता है माझा खेतर। इसका जो राइट आंसर है ए है टू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नूं प्रेस कर लो ताँ जो अपडेट समय से मिल सके, और इस सीरीज दी वीडियोस नूं देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।